अब इन सारी ये सारी की सारी जेपेग में कन्वर्ट हो चुकी है एज यू सी। तो इसमें से कुछ फोल्डर है जिनमें फायर वर्क बिल्कुल नहीं थे, मैंने उनको डिलीट मार दिया है। एंड ये मेरे पास बची है टोटल 64 AF। एंड 64 AF में भी मैं सारी मर्ज नहीं करूँगा, एज आई सेड कि मैंने सिर्फ 6 या 7 फोटोग्राफ ही मर्ज करी थी। सो मैंने इनमें से कुछ सेलेक्ट करके जिनको मैं मर्ज करने वाला हूँ यहाँ पे चूज़ कर लिया है, विच आर 10 फोटोग्राफ। एंड मैं 10 की 10 को स्टैक करूँगा स्क्रिप्ट एंड लोड फाइल इन टू स्टैक, बिकॉज आई नो कि मेरा फोकस नहीं हिला है तो इसलिए मैं स्टैक कर रहा हूँ। अगर मेरा फोकस हिला होता है, मुझे लगता कि थोड़ा चेंजेस हैं, मैं बड़ा छोटा है उनको अलाइन करना है, तो मैं फ़ोटो मर्ज में जाता, फ़ोटो मर्ज में जाके मैं ब्राउज करता एंड यहाँ ब्लेंड इमेजेस को अनक्लिक करके इसको ओके कर देता, तो ये ऑटोमेटिकली उनको अलाइन करके आपको मर्ज करके फोटोग्राफ दे देता। बट यहाँ पे क्योंकि आई नो कि मेरा फोकस नहीं हिला है, मेरा फ्रेम बिल्कुल सेम है, सो आई विल गो लोड फाइल्स इनटू स्टैक, आई विल ब्राउज दैट फोल्डर जो कि है न्यू फोल्डर मेरा, जो मैंने सेलेक्टेड फोल्डर जो मैंने बनाया है। तो दोबारा सेलेक्ट करना, दिवाली के वक्त वीडियोस रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, बम पटाखे बजते रहते हैं बजते रहते हैं। या दिस इज सेलेक्टेड फोटोग्राफ, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल एंड ओके, एंड यहाँ पे हो गया है एंड प्रेस ओके। एंड ये यहाँ पे एक ही लेयर पे इन सबको लाने की कोशिश करेगा अब। सो जब ये जब तक ये आता है तब तक की आई टेक ब्रेक। अब आप देख सकते हैं ये सारी की सारी फोटोग्राफ यहाँ पे मर्ज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुकी हैं, स्टैक हो चुकी हैं। ये देखिए आपको हर फोटोग्राफ यहाँ पे दिखेगी। एंड अब मैं इन सबको देखूंगा कि मेरे को किसके ऊपर क्या डालना। लाइक अगर ये वाला अगर मेरा एक फोटोग्राफ है, मैं इसके ऊपर नीचे जाके लेयर मास्क बनाऊंगा। अगर मेरा लेयर मास्क वाइट है तो मैं ब्रश चूज़ करूंगा और मेरा ब्रश यहाँ पे ब्लैक पे होगा। ओपेसिटी आप चाहें तो आप हार्ड ब्रश भी ले सकते हैं, सॉफ्ट भी ले सकते हैं। मैं मोस्टली जो ये चीज़ें एडिट करता हूँ तब मैं सॉफ्ट ब्रशेस से काम करता हूँ, क्योंकि सॉफ्ट ब्रशेस से थोड़ा थोड़ा ब्लेंडिंग अच्छी आती है। सॉफ्ट ब्रशेस एंड मेरा फ्लो 20 पे रहता है एंड मेरा जो ओपेसिटी है वो 30-40 के अराउंड रहता है। एंड मैं अपनी ओपेसिटी इस इमेज की ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूंगा, सो दैट आई कैन सी के पीछे से मेरे को किस किस वाले फायरवर्क्स को ब्लेंड करना है। सो अगर इस वाले में देखूँ तो यहाँ और इसमें इनमें कोई भी फायरवर्क्स मैच नहीं हो रहा फ़िलहाल, मेरे को ऊपर वाला ही फायरवर्क्स चल रहा है, तो मैं दूसरे वाले को डिलीट अनक्लिक कर दूंगा। अब मैं दूसरे वाले में देखूंगा तो यहाँ ये ग्रीन वाला यहाँ पे पैच अच्छा आ रहा है, तो आई विल गो विद अ ग्रीन पैच। ओपेसिटी कम करके जूम करके एज यू सी मेरा ब्रश अभी भी ब्लैक है। एंड मैं यहाँ पे ब्रश को मारना शुरू करूँगा, यहाँ पे मैं अभी मैं ज़ीरो कर सकता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट कि फुल का फुल आ जाए। मेरा ज़ीरो पे कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट सब कुछ सेम है। दिवाली के वक्त बनाना बहुत मुश्किल है यार, बहुत बम जलते हैं। अभी आपको इतना एज सच फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि अभी वो दोनों के दोनों फाइल्स एक के ऊपर एक हैं और दोनों का कॉन्ट्रास्ट सेम है, तो आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है। बट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक पैच आना शुरू हो गया है, यू सी ब्लैक पैच आना शुरू हो गया है। तो दैट मीन्स कि इट्स वर्किंग नाइस। अगर मैं स्लैश दबाऊँ तो आई कैन सी कि कहाँ कहाँ मेरा ब्रश चला है फिलहाल, एंड मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा और रिफाइन कर सकता हूँ इस ब्रश को। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन, नाउ दिस इज़ फाइन, इतना ठीक है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एंड नाउ इट्स फाइन। अब मैं ओपेसिटी जब मैं बढ़ाऊंगा सो आई कैन सी कि यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा ये आ गया, बट अभी थोड़ा वियर्ड लग रहा है। सो व्हाट आई डू कि ओपेसिटी अब मैं 10% कर दूंगा क्योंकि आई वॉन्ट टू ब्लेंड देम। एंड ब्लेंड करने 10% करने के बाद मैं इनको एक दो बार एक दूसरे के ऊपर मारूंगा ताकि ये ईजिली एक दूसरे को ब्लेंड कर सकें फायरवर्क्स, तो काफ़ी वियर्ड नहीं लगे। एंड लास्ट में हम इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे कलर कॉन्ट्रास्ट फिल्टर से, सो दैट ये जो आपका थोड़ा और ज़्यादा प्रोमिनेंट जो हल्का सा दिख रहा होगा वो भी आपका ओवरऑल हट जाएगा बिल्कुल। आई एम यूजिंग पेन टूल, इस वक्त वैकॉम का पेन टूल, इससे बहुत ईजिली एडिट हो जाता है, मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। एडिटिंग या आपकी सिलेक्शन काफ़ी अच्छी प्रोमिनेंट हो जाती है, सो आई रियली लाइक दिस पेन टैबलेट। अगर आपको एडिटिंग पसंद है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। सो ये हो गया है, आई थिंक ये एक्चुअली में ऐसा ही है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा और ग्रीन ग्रीन है विच इज़ हेयर, सो आई विल ऐड 40% मेरी ओपेसिटी हो गई है अब। नाउ इट्स फाइन एज यू सी के नाउ इट्स लुकिंग स्टिल इट्स लुकिंग बेटर, मैं कि इतना वियर्ड नहीं लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन एक्चुअली कम है, सो आई विल ऐड यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कम है। नाउ इट्स डन,
सो एज यू सी के नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। सो ये दो फोटोग्राफ मेरी सेलेक्ट हो गई हैं, इन दो का कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट करूँगा, मर्ज करूँगा और इन दोनों फोटोग्राफ को रिमूव हटा दूँगा। मैं इसको सेव करूँगा दोबारा, नाउ इट्स सेविंग सो दैट मेरे पास सेव हो। अब मैं एक और लेयर बनाऊँगा एंड आई विल सी के मेरा पीछे वाले में क्या आ रहा है। तो आई थिंक कि यहाँ पे भी दिस इज़ लुकिंग नाइस, ये बेटर है। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, बट एक और ऑप्शन आपके पास है अगर आप बहुत ज़्यादा ट्वीक करना पसंद करते हैं, अगर आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है फोटोशॉप में ट्वीक करने पे, सो एडिटिंग पे, सो व्हाट यू कैन डू कि आप ये फोटोग्राफ सेलेक्ट करके इस लेयर को आप यहाँ ला सकते हैं एंड आप इसको यहाँ कहीं ऊपर, यहाँ कहीं ब्लेंड कर सकते हैं। यस सो आई थिंक ये उधर ज़्यादा सही लगेगा, लेट्स सी। स्टिल फाइन, ओके। इसको थोड़ा सा और अगर मैं बड़ा कर दूँ तो हाउ इज इट गोस, कैसा जाएगा ये? ओके ये ऐसा आ रहा है, ओके। इसका कॉन्ट्रास्ट का पंगा है, एक्चुअली मेन पंगा इसके कॉन्ट्रास्ट का है, विच इज़ क्योंकि यहाँ पे ब्लू बहुत है टिंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू टिंट बहुत है और यहाँ पे ब्लैक टिंट और ऑरेंज टिंट बहुत है, तो उसके साथ ब्लेंड होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसका। इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको मर्ज कर सकता हूँ मैं। सो आई विल मर्ज, कंट्रोल जे डुप्लीकेट मर्ज एंड नाउ इट्स डन। अब मेरी जो दूसरी है उसमें भी ये आ रहा है, विच लुकिंग नाइस एक्चुअली टू मी एंड आई डोंट वॉन्ट कि वो वहाँ पे आए। आई विल मेक लेयर एंड ओके, इसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऐसे रख सकते हैं, यस नाउ इट्स फाइन। ओके अब इसकी ओपेसिटी कम करके बी एंड नाउ ओप्स, आपको लेयर सेलेक्ट करनी है। आई एम नॉट श्योर कि कैसा लगेगा बट स्टिल आई विल, आई एम गिविंग अ ट्राई। फॉर मी मैनिपुलेशन इज़ नॉट बैड, यू नो मेरे लिए फाइनल रिजल्ट मैटर करता है, अनटिल अनलेस मैं कुछ फेक नहीं कर रहा हूँ। लाइक फायरवर्क्स उधर थे तो मैं अगर फायरवर्क्स एक जगह का फायरवर्क्स उठा के दूसरी जगह पे डाल रहा हूँ तो आई थिंक दैट्स नॉट बैड फॉर मी बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर, आई जस्ट डिड अ ब्लेंड, आई जस्ट यू नो ग्रैब इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स इट। 20% बिकॉज आई डोंट वॉन्ट बहुत प्रोमिनेंट हो एंड 20% करके थोड़ा ब्लेंडिंग करके एंड नाउ इट्स डन। Now as you see it's looking nice and फिर select करके control J duplicate merge and उसके बाद नीचे वाली ये वाली क्यों खुली हुई है। अब मैं एक और नीचे वाली देखता हूँ कि नीचे वाली में क्या है। इस वाली में मेरे को as such कुछ अच्छा नहीं लग रहा, but you can merge this green is good actually, बट ये ग्रीन आएगा कहाँ? ये ग्रीन आई थिंक आपका आ सकता है यहाँ कहीं, आई थिंक यहाँ कहीं आ सकता है ग्रीन आपका। यस नाउ आई विल मेक सेलेक्ट ब्रश, ओपेसिटी कम करके बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि क्या चल रहा है। ओपेसिटी कम है एज यू सी एंड दैट्स इट एंड आई विल सी के क्या आया है इफेक्ट। ओके यहाँ पे ये हल्का सा ब्लेंड होना प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है, सो आई विल गो ऑन अ 30% ओपेसिटी एंड आई ब्लेंड इट 10% एंड आई ब्लेंड इट, यस नाउ इट्स डन। तो यहाँ पे आपके 5-6 शॉट मर्ज हो चुके हैं, फिर से इनको सेलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, मर्ज करूँगा। मैं कभी भी उसी जगह पे मर्ज नहीं करता फोटोज़ को, तो क्योंकि मेरे पास अगर मेरे को बाद में कुछ चेंजेस करने हैं सो आई कैन डू इजीली। अब मैं नेक्स्ट फोटो का देखूंगा कि नेक्स्ट फोटो में कहाँ फायरवर्क्स हैं। ये फायरवर्क्स हैं, दिस फायरवर्क्स लुकिंग गुड एक्चुअली, दिस फायरवर्क्स इज एक्चुअली गुड, आई लाइक इट। सो मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये मैं मिडल पे कहीं पर ला सकूँ फायरवर्क्स ना, क्योंकि आई वॉन्टेड समवेयर हेयर। इसके ऊपर मैं लेयर बनाऊंगा एंड ब्रश मेरा सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ओपेसिटी इसकी पहले से कम है, यस नाउ इट्स फाइन। ओके ओपेसिटी कम करके आई विल सी कि मैं इसको कहाँ मर्ज कर सकता हूँ, 0
इट्स ऑलरेडी 9:18 एंड मेरे को 9:30 एक फोटोग्राफ वो ये वाली डालनी है जो मैंने करी है, तो आई विल सी कि क्या वीडियो मेरी आई थिंक बाद में ही आएगी, उसके साथ नहीं आएगी। एंड एज यू सी कि बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया ये, आई एम लाइकिंग इट एक्चुअली। ओपेसिटी 20% करके इसको ब्लेंड करूँगा एक दूसरे के साथ। नाउ इट्स लुकिंग नाइस एंड ब्लेंड, डुप्लीकेट ब्लेंड एंड ऑफ एंड ऑफ। अब देखता हूँ कि इसके पीछे वाले में क्या है। इसके पीछे वाले में ये बहुत बड़ा है, ये चलने वाला नहीं है बट स्टिल। और इस वाला ये आई लाइक दिस बट इनके पास स्मोक बहुत है सो आई डोंट वांट दिस। स्मोक वाले बहुत प्रॉब्लम करते हैं, एज यू सी इन सब में स्मोक बहुत है। ये वाला एक अलग है विच आई कैन मर्ज क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत खाली लग रहा है फिलहाल एक जगह पे। सो ब्लेंड ओपेसिटी कम एंड सिलेक्टेड कंट्रोल जे डुप्लीकेट क्योंकि मैं उसको हिला नहीं पाऊँगा एंड इसको मैं यहाँ लाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत खाली लग रहा है मेरे को फिलहाल। ये आ गया आपका यहाँ पे एंड अब मैं वापस लेयर पे जाऊँगा, ओपेसिटी थोड़ी इंक्रीज करूँगा, जूम करूँगा, ब्रश बी पे लाऊँगा, ज़ीरो ओपेसिटी ज़ीरो एकदम 100 पे कर दूँगा, 100 बाबा 98 नहीं एंड पड़ा। एज यू सी बहुत ईजिली भाई ब्लेंड हो गए हैं, बहुत नखरे नहीं दिखाए मैंने ज़्यादा एंड नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स कम्प्लीटेड फॉर मी। इट इज़ अ ओवरऑल फोटोग्राफ वो जो पहले से कम्प्लीटेड है। एज यू सी के इट्स लुकिंग रियली नाइस मैं बिना किसी और एडिट के लग रही है। व्हाट आई डू कि मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल जे दबाऊँगा, मर्ज करूँगा एंड एक और डुप्लीकेट बनाऊँगा एंड अब इनको एज अ सेव एज जेपैक करूँगा। अभी मेरी फोटोग्राफ पुरानी वाली सेव हो रही है क्योंकि बहुत बड़ी हैवी फाइल बन गई है, तो एक बार जेपैक सेव करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ आपको बताता हूँ कि इसके साथ मैं क्राउड कैसे मर्ज करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि क्राउड वाली फोटोग्राफ अलग है, ये क्राउड वाली है जिसमें मेरे को क्राउड मर्ज करना है एंड ये वाली जो है मेरी ओवरऑल, बट ओवरऑल मेरे को इसका भी क्राउड अच्छा लग रहा है बट स्टिल आई थिंक थोड़ा लाइट अगर मैं डाल सकूँ तो इस पर भी लाइट डाल सकता हूँ, वैसे तो मैं पंगा नहीं है सो आई थिंक मैं चलो इस वाले के ऊपर ही लाइट डालते हैं। चलो कुछ नया क्यों अलग से फाइल लेके आए, बहुत मर्ज करना पड़ेगा। इसको मैं फोटोशॉप में खोलूँगा, मैं एक लेयर और बनाऊँगा, कंट्रोल एम दबाऊँगा, कंट्रोल एम आपके अगर आप उसमें तो कमांड एम वरना यहाँ पे कहीं पे एक होता है यस दिस इज कर्व्स, कर्व्स दबाऊँगा, कर्व्स पे आऊँगा कंट्रोल एम एंड मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा जिससे कि मेरे क्राउड पे लाइट आनी शुरू हो जाएगी। ना ओवरऑल बार है बट मैं उसको बाद में क्राउड ही मर्ज करूँगा, मैं और कुछ मर्ज नहीं करूँगा। यस दैट्स इट, अब ये मेरा हो गया, ये मेरी हो गई फाइल क्राउड के लिए। तो मैं इस पे इस फाइल को जो कि मेरी ओरिजिनल फाइल है उसको ऊपर लाऊंगा, उसके ऊपर लेयर करूंगा एंड आई विल सी के क्या ये बाकी शॉट अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी के बहुत ज़्यादा पैचेस आने शुरू हो गए हैं सो आई डोंट वांट दैट। एंड अब मैं इस सिर्फ क्राउड को मर्ज करूँगा इसके साथ, तो आई विल प्रेस 30% के साथ ओपेसिटी 30% करके एंड ब्रश मेरा वापस ब्लैक है, लेयर मेरा वाइट है एंड आई विल ब्लेंड इट। एंड एज यू सी के इनमें भी आपके इतने फायरवर्क्स इसमें बहुत ही कम जगह पे फायरवर्क्स आपको, क्योंकि पानी आपका हिलता रहता है और पानी आपका हिल रहा है और आपने लॉन्ग एक्सपोजर दिया है तो फायरवर्क्स की रिफ्लेक्शन आना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे ना। आप दूसरे शॉट में मेरे देखोगे तो फायरवर्क्स आपके बहुत बड़े बड़े फायरवर्क्स के भी वहाँ पे शॉट नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है वहाँ पे ना क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो नाउ दिस इज़ फाइन, आई थिंक दिस इज़ फाइन। आई विल मर्ज ऑल द फोटोग्राफ ऑल द लेयर्स एंड इसको मैं सेव करूँगा दोबारा एंड कंट्रोल जे दबा के मैंने डुप्लीकेट कर लिया। नाउ आई विल गो फिल्टर कलर एफएक्स प्रो 3 कॉन्ट्रास्ट में आके अब मैं इसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा माइनस नहीं एक्चुअली +7 की जगह और इसको थोड़ा कम करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट के थोड़ा वो जो ब्लैक है ब्लैक में रहे। अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट का फ़ायदा ये है कि जो आपका पैचेस थे वो पैचेस आपके हटने शुरू हो जाएंगे वहाँ से ना क्योंकि आपने इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पर कलर भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, यू सी कि बहुत ज़्यादा ये बुरा नहीं लग रहा, ज़्यादा ओवर नहीं करना आपको, ज़्यादा डाउन नहीं करना आपको, एक कॉमन में रखना है दैट्स इट।
ढोल वाले भी आ गए हैं, तो इससे पहले ढोल वाले बजाना शुरू करें मेरे को ये एडिट खत्म करना है। एंड इट्स डन। एज यू सी इट्स दिस इज अ फाइनल रिजल्ट एंड काफ़ी काफ़ी रिफाइन हो चुका है, बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है। सो आई विल सी यू ऑन अ नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जो लोग एडिटिंग सीखना चाहते हैं। ये बेसिक एडिटिंग के लिए भी अच्छा है, रॉ एडिटिंग काफ़ी लोगों को सीखनी होती है तो उनके लिए भी अच्छा है। फायरवर्क्स कैसे ब्लेंड करने हैं, दूसरी चीज़ें लाइटिंग कैसे ब्लेंड करनी है वो भी आप इससे सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, थम्स अप इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक एनी थिंग सो यू कैन कमेंट बिलो, एंड आगे किन वीडियोज़ पर मैं काम करूँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी दिवाली अगेन अगेन, एंड be safe, less crackers, more diyas. Thank you.